नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेके आए हो। यहाँ पे वैकेंसीज़ ऐसे बच्चे जिनके लिए, जिनको टाइपिंग आती है या स्किल आती है, उनके लिए लगातार देखा जाए तो सरकार की तरफ से, वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, लगातार वैकेंसीज़ आ रही हैं। और ये वर्ष 2023 आप लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा है। अभी आपने KVS का GSA दे के आए हैं, ऐसे तमाम से पोस्ट पे एग्ज़ाम दे के आए हैं। तुरंत ही आपके लिए DDA दिल्ली का डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होता है, उसकी तरफ से 687 पदों पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत इत्मीनान में बताता हूँ। कुछ अच्छी खबर है और कुछ इसमें बेकार भी है, वो बेकार पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। बेकार पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम तो इसका हो रहा है, पद भी अच्छे खासे हैं, 687 पद हैं, आप देख पा रहे हो, पूरी डिटेल में दे रहा हूँ। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 अगस्त पे ही एग्ज़ाम है, मतलब आपके पास पूरा जून महीना, पूरा जुलाई महीना, 30-30-60 दिन है, क्योंकि 1 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स का। इस पे 2 स्टेजेस के पेपर होंगे, प्रीलिम्स और मेंस होंगे। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें केवल सिंगल स्टेज का होगा, तो ये वेरियस पोस्ट का एग्ज़ाम है, जिसमें आपके लिए जो सबसे मायने रखता है वो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसकी खोजबीन में रहते हैं, वो आपके लिए पद है 1 JSA का, जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट। ये इस बार DDA का आया है, इससे पहले आपने KVS में दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में दिए, अब 1 JSA दूसरा पोस्ट आया है वो DDA में आया है। तो सेम आपकी प्रोफाइल है, सेम आपकी मेहनत है, एक मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसी को आपको दोबारा रिवाइज करना है, बहुत अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें पटवारी का भी पद ठीक ठाक है, नैब तहसीलदार पे भी आप फॉर्म भर सकते हो, और उसके बाद एक पद आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो जनरल बच्चों के लिए ओपन है। बाकी जो टेक्निकल वाले या स्पेशल डिग्री वालों के लिए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये है। और इनके ग्रेड पे भी बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप नीचे से ऊपर तक जाओगे तो 1900 ग्रेड पे से लेके, लेवल 2 से लेके स्टार्ट होते हुए लेवल 8 तक आया है, मतलब 4600 ग्रेड पे तक की जॉब है। तो ASO ऐसे भी बहुत अच्छी जॉब होती है, इसमें हालांकि 51 वैकेंसीज है। ASO में अगर आप देखो तो 125 से जनरल ग्रेजुएशन इसमें मांगा है, सारी कुछ मैं डिटेल में दे रहा हूँ, पहले एक बार मैं ब्रीफिंग आपको कर दे रहा हूँ। नैब तहसीलदार में भी आपका जनरल ग्रेजुएशन मांगा है, बाकी आपका पटवारी और जूनियर असिस्टेंट में आपको क्या मांगा हुआ है, 12th बेसिस पे आपको मांगा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग आपकी इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी आती है तो काम चलेगा। पैटर्न जो इसका है पेपर का, वो अभी जो रिसेंट में SSC का आपका बोल सकते हो मेंस वाला पैटर्न जो है, उस पैटर्न पे किया गया है। प्रीलिम्स आपका उसी पैटर्न पे होगा, 25-25-25-25, और उसके बाद आपका जो मेंस होगा वो 30-30 ऐसे करके, फिर 40 या 45, जैसे सेगमेंट है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये एक बार आप लोग टोटल वैकेंसीज देख लो, जैसे वालों के लिए 194, लगभग 200 पद हैं। तो ये जैसे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट JSA पेपर देके आए थे, लगभग उतना ही पद है, कम नहीं है, 200 पद और केवल दिल्ली भर का, तो बहुत अच्छा पद है, ठीक है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आएंगे, ये बात भी आप समझिएगा। एक चीज में थोड़ा सा आपको तकलीफ देने वाली और है, वो क्या है कि इसकी जो फॉर्म की फीस है वो 1000 है, फॉर्म की फीस 1000 है। दूसरी बात, जहां पे DDA कहता है कि आप एक से ज्यादा पदों पे फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब अलग अलग आपको क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, और अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में आपको चूज कर ले, अलग अलग फॉर्म भरना है, अलग अलग पैसे देना है। और मान के चलो मैक्सिमम बच्चे 2 या 3 फॉर्म भरेंगे, तो 2 या 3 मतलब 2 या 3 हजार आपका जाएगा। दूसरी बात, उसने ये भी कह दिया है कि अगर आपका पेपर एक ही दिन पड़ गया तो उसके लिए DDA जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, वो आपको मैनेज करना है, आप जानो कि आप कैसे पेपर दोगे, आप कौन सा दे रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो। साफ साफ इसी शब्दों में लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, इसका बस वो अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंतर केवल इतना है। खैर, अब वैकेंसीज आपके सामने हैं और आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरे, अगर मेरी पर्सनली मानोगे तो मैं तो यही बोलूंगा, 1000-1500-2000 नहीं देखा जाता है यहाँ पे। फिर जब आपकी तैयारी एक तरफ 70-80% रही होती है, 60% रही होती है, तो थोड़ा सा मेहनत, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से चूके हुए होते हैं, उनके लिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा आप दोबारा इस पर अप्लाई करो, हो सकता है वहाँ पर किस्मत नहीं साथ दी, कुछ ऐसी दिक्कतें रही हूँ, यहाँ पे हो सकता है किस्मत साथ दे दे, और ये ज़्यादा अच्छी जॉब है, ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है, दिल्ली में होगा तो आपका HRA वगैरह ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो सैलरी अगर बेसिकली देखा जाए, तो अगर मिनिमम पोस्ट JSA की देखा जाए, 37-38 हज़ार आपकी, यहाँ पे 33-34 हज़ार से स्टार्ट होगी JSA की, और ऊपर आओगे तो 4600 ग्रेड पे, मतलब 55-55 हज़ार तक की सैलरी आपकी इनहैंड बनेगी, कटने पिटने NPS वगैरह की बात कर रहा हूँ। एक बार मैं इसकी ब्रीफिंग करने के बाद डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्म देख लो कब से अप्लाई होगा, फॉर्म जो है वो 3 तारीख से अप्लाई होगा, ठीक है, फॉर्म 3 जून से।
हाँ, मैं एक बार ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उम्मीद है कि अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ये 3 तारीख आपका, 3 तारीख 3 जून से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 2-7 तक आप केवल फॉर्म भर पाओगे, लगभग 1 महीने का समय दे रहा है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ स्टेज 1, मतलब जो प्रीलिम्स होंगे, 1-2 पेपर ऐसे भी, 1-2 पद ऐसे हैं जिसमें केवल सिंगल स्टेज है, लेकिन कुछ मैक्सिमम पद ऐसे हैं, 5-6 पद ऐसे हैं जो नीचे वाले पद हैं, उनमें 2 स्टेज के एग्जाम है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स आपको क्वालिफाइंग है, मेंस के नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ आप समझते हुए चलो। बाकी मैं आपको इसमें बता दूं तो ये एक बार देख लो कि किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा, शायद आपको क्लियर दिख रहा हो। मैं एक बार वैसे पॉइंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे, हाँ, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। और अगर आप देखोगे ये जो आपका ASO वाला पद है, ठीक है, इसमें डिग्री इन आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर वाला है। और बाकी अगर आप इसमें देखोगे तो जनरली ये, हाँ, नायब तहसीलदार है, जैसे इसमें भी केवल डिग्री मांगा हुआ है। अच्छा, एज जो है वो लगभग 21 से 30 ऊपर के जो पद हैं, मतलब कि अगर मैं इन पदों की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, इन पदों में जो एजेस हैं वहाँ पे क्या है, 21 से 30 मांगा हुआ है। नीचे के पदों में क्या हुआ है, 21 से 27 मांगा हुआ है। इस चीज़ को आप विशेषकर ध्यान दे लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ASO का है, इसमें आपका 4600 ग्रेड पे का है, और यहाँ पे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह लोग यहाँ पे भर सकते हैं। इसकी मैं PDF आपको दे दूंगा तो एक्जैक्टली आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए, 125 पद है। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तीसरा मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर वाले हैं, इसमें डिग्री इन आर्किटेक्चर मांगा हुआ है। लीगल वाले में लॉ की डिग्री मांगा हुआ है, ठीक है। नायब तहसीलदार में इसमें डिग्री फ्रॉम है, इसमें भी जनरल डिग्री मांगा हुआ है। और डिजायरेबल नॉलेज किसमें मांगा हुआ है, डिजायरेबल नॉलेज आपको लैंड वगैरह से, इन सबसे आपको जो अलग से नॉलेज होनी चाहिए वो मांगा हुआ है। इसमें अलग से सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, उसके हिसाब से पेपर होगा। वो आपको पैटर्न दिखाऊंगा, सिलेबस दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जूनियर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देख लेते हो सर्वेयर में, सर्वेयर में भी डिप्लोमा मांगा हुआ है, 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो पटवारी में ग्रेजुएट जनरल, जनरल आपका क्या मांगा हुआ, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। उसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू या हिंदी होना चाहिए, ये बात आप समझिएगा। और इसके बाद ट्रेनिंग भी इसके हिसाब से होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पद है वो GSA का पद है। इसमें Level 2 का है, 18 से 27 के लिए है। और इसमें जो मांगा हुआ है 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड इसमें इंग्लिश की 35 मांगता है और हिंदी की आपकी क्या मांगता है, 30 वर्ड मांगता है। और है, मतलब कि या तो आप इंग्लिश दे दो या तो आप हिंदी दे दो, दोनों देने की आवश्यकता नहीं है। 194 पद इसमें है। एक बार हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि बेसिकली इसका पैटर्न क्या है, किस हिसाब से आपका जो पेपर होगा वो कंडक्ट कराएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी डिटेलिंग में आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट डिटेल में आप इतना समझते हुए चलो, जो आपका ASO का पद है वो सिंगल स्टेज एग्जाम है। ASO का जो है वो सिंगल स्टेज है, इसमें 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा, 120 मार्क्स होंगे और नेगेटिव 1/3 होगा। जो इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव 1/3 है, ये ध्यान देना, सारे में ही कोई भी आप एग्जाम दो, इसमें पोस्ट दोगे उसमें 1/3 आपकी नेगेटिव है। ASO वाले में 120 क्वेश्चन, 120 मिनट और 120 मार्किंग के, एक नंबर एक क्वेश्चन का है। और इसी के आधार पे आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसमें दूसरा स्टेज इंटरव्यू का है, 85% आपका रिटन से लिया जाएगा और 15% आपका इंटरव्यू का लिया जाएगा, ठीक है। उसके इक्विवेलेंट में जो ASO का पद है, ये AAO है, AAO अकाउंट ऑफिसर। और जो ASO है, ASO में क्या मांगा हुआ है, इसमें आपका जनरल डिग्री मांगा हुआ था। इसमें 2 स्टेज होगा, कंप्यूटर में CBT पेपर होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या देना है, वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और DEST मतलब डेटा एंट्री टेस्ट देना है, स्किल टेस्ट, मतलब आपको टाइपिंग देना है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में दे सकते हो। स्टेज 1 में आपका क्या है, 25 25 25 25, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 50 मार्क्स का है, नेगेटिव यहाँ पे भी 1/3 है, मतलब कि अगर 2 नंबर का है तो नेगेटिव 0.66 मार्क्स जाएगा, ठीक है। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बट एक मेरिट तो बनेगी ही, कट ऑफ तो साइड होगा ही जो आपके स्टेज सेकंड में जाओ। स्टेज सेकंड का भी इसका पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं। इसका स्टेज सेकंड में 4 मॉड्यूल में है, ऐसा बोल सकते हो। जो यहाँ पे अगर देखोगे सेक्शन 1 देखोगे, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, जिसमें मैथ्स है और रीजनिंग है, ठीक है। 30 नंबर की मैथ पूछेगा, 30 नंबर की रीजनिंग पूछेगा और 90 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो सेक्शन 2 है, इसमें मॉड्यूल 1 इंग्लिश का है और मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है थोड़ा, 45 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन पूछेगा, ये भी 3 नंबर का, एक क्वेश्चन है, नेगेटिव 1/3 है।
फिर आपका तीसरा जो है कंप्यूटर नॉलेज इक्वल क्वालिफाइंग नेचर का, ये क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है, 20 क्वेश्चन होगा लेकिन मैंडेटरी है, जरूरी है आपको देना, क्वालिफाई करना जरूरी है, 40% क्वालिफाइंग इसमें है, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या आते हैं, जब आप यहां पे क्लियर हो जाओगे, अगर इसमें पास नहीं होगे तो बाकी आपके स्टेज क्या हो जाएंगे, आपके इवेलुएट नहीं किए जाएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे सब में 40% मिनिमम नंबर लेके आना है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आ जाएगा, मतलब कि आपकी टाइपिंग हो जाएगी, 15 मिनट की टाइपिंग होगी और एक डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका आर्किटेक्चर का है, ये भी 2 घंटा, 120 मिनट 120 क्वेश्चन, इसका सिलेबस अलग है आर्किटेक्चर के हिसाब से। लीगल वाले में लीगल का सिलेबस अलग है, ये भी 120 क्वेश्चन 120 मिनट है, सिंगल स्टेज है। उसके बाद नैब तहसीलदार भी आपका सिंगल स्टेज है, ये भी 120 क्वेश्चन 120 नंबर का है, सिलेबस इसका अलग है। जनरल नॉलेज वाला इसका है, जीएस का पार्ट है। जेई में भी इसमें आपका डिप्लोमा का हिसाब से आपका सिलेबस है, सिंगल स्टेज है, ये भी 120 क्वेश्चन 120 मिनट, 2 घंटे, 1/3 निगेटिव है। सर्वेयर का भी सिंगल स्टेज है और इसमें भी 2 घंटा, 120 मिनट, 120 मार्क्स है। भी आपका देखा जाए तो पटवारी आपका 2 स्टेज है और 2 स्टेज में इसमें क्या है, प्रीलिम्स में आपका 120 क्वेश्चन होगा और जो आपका मेंस होगा इसमें क्या होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के होंगे, इसका भी सिलेबस अलग है। एक चीज आप देख लो, प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, हिंदी और इंग्लिश पूछेगा, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछ रहा है और कंप्यूटर भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे और स्टेज 2 में आपके लगभग सब्जेक्ट वही है, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग का है, फिर आपका मैथ्स का है, उसके बाद इंग्लिश का है और हिंदी का है, और उसके बाद क्या है, हिंदी या उर्दू में से आप कोई चूज कर सकते हो, बेसिक कंप्यूटर है, ये 200 नंबर का है, 1/3 निगेटिव यहां पे भी है। आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत लगती है वो जेएससी की, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा क्या रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, वो बता दूं, इसमें आपका 2 स्टेज है, पहला आपका प्रीलिम्स है, 25-25-25 का वेटेज है, ये 25, ये भी 25, ऐसे ये भी 25, ये भी 25, मतलब मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीएस चारों आपके 25-25 होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 50 नंबर का एक सेक्शन होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव 0.66 होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जो स्टेज 2 है, मतलब कि मेंस है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, यहाँ पे आपके कट ऑफ के हिसाब से आप स्किल के लिए बुलाए जाओगे, वहां पर आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो इस नंबर के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। इसमें भी आपका देखो उस वाले से थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें ये तो 30-30 ही है, यहाँ पर इंग्लिश 45 था तो 40 है, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस 25 था तो यहाँ पे 20 ही है, इसमें आपका कंप्यूटर है 15, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका 2 घंटे का पेपर है और 15 मिनट का आपका कंप्यूटर नॉलेज का अलग होगा और इसमें स्किल आपका सेम डे होगा, इसका मतलब यानी कि अलग से होगा, ठीक है, सेम डे ही आपका होगा, स्किल टेस्ट भी अलग से नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जेएससी का पैटर्न हो गया। एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, बाकी मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता दूंगा, मेन मेन पॉइंट तो वर्बली भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस एक बार आप देख लो। तो एओ का ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई, वहां से आप देख लीजिएगा। इसमें सारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है, कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह है, ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन वगैरह है, ठीक। उसके बाद अगर आप आते हो जो एएसओ वाला है, इसमें आपका रीजनिंग वही जो एसएससी वाला पैटर्न आता है, जनरल अवेयरनेस वही आपका, क्वांट मतलब मैथ्स है, मैथ्स में आपका अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और आपका डीआई, ये 4 पार्ट आपका पूछेगा, समझिएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद फिर आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी में आपको बताया ही, ठीक है, फिर आपका रीजनिंग है और मॉड्यूल 1 के सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर में क्या पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड और सॉकेट के बारे में यहाँ पे पूछेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स पूछेगा, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पूछेगा। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर वाले में आर्किटेक्चर के हिसाब से सिलेबस है, ठीक है, बाकी सिविल वाले में सिविल के हिसाब से, डिप्लोमा वाले में ये आप देखिएगा। और आपके जितने भी हैं, एक बार आप जेएससी वाले का देख लोगे, ये पटवारी का एक बार आप देख लो, पटवारी में 120 क्वेश्चन आना है, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक और हिंदी और उर्दू, ठीक है, ये आपका रहेगा, ये स्टेज वन में ही रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका जो जेएससी स्टेज 2 में रहेगा, जो आपका सिलेबस है स्टेज 1 के लिए, इंग्लिश रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस है। मैथ्स में जैसे आप नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है और आपका डीआई है, ये पार्ट आपके मैथ्स में पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका स्टेज 2 में भी आपका सिलेबस चेंज नहीं है, केवल लेवल थोड़ा सा अलग होगा, कंप्यूटर में भी सिलेबस वही है जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। तो एक अच्छा खासा पद है, अगर इसको देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा पद है और टोटल 827 पद हैं, जिनमें से अगर आप किसी एक सेगमेंट में करते हो, मेनली जो सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे वो जेएससी के लिए पड़ेंगे, 194 पद आपका टोटल है, तो ये पद कम नहीं है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, जो आपकी तैयारी वही है। रही बात कि इसका कोर्स परीक्षा प्लस चलाएगा कि नहीं चलाएगा, तो देखो बच्चों समय बहुत कम है, इसमें मैं कोई बहुत
नया कोर्स तो लॉन्च करने के एकदम मूड में नहीं हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा कि 2 महीने में आपको क्या ही पढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ऐसे बच्चे जो पुराने कोर्स ऑलरेडी ले रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास का एक VOD बैच दे दिया जाएगा, जिसमें से जो सेक्शन ऐसे सेक्शन है, जैसे कि मान के चलिए कि रिकॉर्डेड जो आपके कॉन्सेप्ट वाइज हैं, जैसे जो आपने इससे पूर्व के क्लासेस में पढ़े हुए हैं, उनको आपको एज अ रिकॉर्डेड ही दे दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे पोर्शन जो नए हैं, या फिर जो आपकी प्रैक्टिस हो गई, या फिर जो आपके टेस्ट हो गए, या फिर आपको MCQs वगैरह, या एक अलग से जो कुछ टॉपिक्स होंगी, उनको आपको लाइव करा दिया जाएगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड का एक मिक्स बहुत अच्छा दिया जाएगा, ताकि आप मिनिमम समय में इसकी आप तैयारी कर लो। नोट्स भी आपको इसके अलग से दे दिए जाएंगे। तो नोट्स प्लस रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लास, और आपका बाकी जो सारी चीज़ें होती ही होती हैं, लाइव आपकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करवा दिया जाएगा। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? परीक्षा प्लस ऐप पर जाओगे, परीक्षा प्लस ऐप पर कोर्सेस में जाओगे, दूसरे तीसरे नंबर पे आपको इसका बैच लगा मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। मिनिमम शुल्क जो भी होगा, अभी मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें आपसे बहुत ज्यादा नहीं, बट लगभग ₹450 प्लस GST वगैरह, ये आपकी फीस रहेगी। तो 450 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें दे दी जा रही हैं, और ये आप वहाँ से परचेज कर सकते हो मिनिमम प्राइस में। कि फॉर्म तो ऑलरेडी आपको 2-3 हज़ार लगेगा, तो 450 जहाँ पे 2000-3000 खर्च करोगे, तो ₹450 और सही, ये मान के चलेगा कि फॉर्म ही ₹500 महंगा है। तो कम से कम आप उससे क्या देखो एवरेज रहोगे, उससे जुड़े रहोगे, जो आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज करते रहोगे, और प्रैक्टिस हम लोग लाइव आपको करवा ही देंगे। तो इस हिसाब से आपका ये बैच चल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।